Hey guys, welcome back to another video, and in today's video we will discuss कि क्या हमें i5 third generation का processor 2023 में gaming editing के लिए buy करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. So let's find out. यार ये जो प्रोसेसर है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक लेजेंडरी प्रोसेसर है, क्योंकि ये है इतना चीज़ा प्रोसेसर यार. अगर आपका बजट 20K से लेके 30K के अंदर है तो शॉपकीपर आपको यही प्रोसेसर सजेस्ट करेगा दो रीजंस की वजह से. पहली रीज़न तो ये कि ये प्रोसेसर बहुत ही बजट फ्रेंडली है, और दूसरी रीज़न ये कि ये आज भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देने की काबिलियत रखता है. इस प्रोसेसर के काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं, लेकिन मैंने जो इस प्रोसेसर का मॉडल सेलेक्ट किया है वो है i5 3470. तो चलो अब इस प्रोसेसर की स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो ये प्रोसेसर रिलीज हुआ था 2012 के अंदर, और इस प्रोसेसर के अंदर हमें 4 कोर्स देखने को मिल जाती हैं और 4 ही थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं. इस प्रोसेसर की बेस फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो वो 3.20 GHz की है, और इसकी मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो वो 3.60 GHz की है. इस प्रोसेसर की TDP की बात की जाए तो वो 77 वॉट्स की है, और इस प्रोसेसर का मैक्सिमम टेम्परेचर 67 डिग्री सेल्सियस का है. इसकी लिथोग्राफी की बात की जाए तो वो 22 नैनोमीटर की है, और इसकी सॉकेट LGA1155 है. इस प्रोसेसर का मदरबोर्ड जो ये सपोर्ट करता है वो है H61, और जो रैम ये सपोर्ट करता है वो है DDR3 की, और मैक्सिमम रैम जो ये सपोर्ट करता है वो है 32 GB की. ये प्रोसेसर इंटेल की 6 MB की स्मार्ट कैशे को सपोर्ट करता है, और इस प्रोसेसर के अंदर हमें इंटेल के HD ग्राफिक्स 2500 भी देखने को मिल जाते हैं. और ये जो बिल्ट इन ग्राफिक्स हमें इस प्रोसेसर के अंदर देखने को मिल जाते हैं यार, ये इतने भी कोई हाई फाई किस्म के नहीं है. मतलब हाँ, इतने हैं कि ये आपको एटलीस्ट लो सेटिंग्स के ऊपर CSGO, Dota 2, GTA 5 या PUBG मोबाइल खिला के दे सकते हैं. अच्छा, तो बहुत बात कर ली हमने इस प्रोसेसर की स्पेक्स की, तो चलो अब बात करते हैं इस प्रोसेसर की प्राइस की. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्राइस मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ये वेरी कर सकती है आपकी लोकेशन के ऊपर. अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं. क्या पता ये प्रोसेसर आपको प्राइस के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा हो आपकी लोकेशन पर, या फिर आपको ये कम देखने को मिल रहा हो प्राइस के अंदर. लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर आपको ये किस प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है. अगर इससे ज़्यादा प्राइस में आपको देखने को ये मिल रहा हो प्रोसेसर, तो यार मत लेना, यार मत लेना, वो ठग लेते हैं आपको शॉपकीपर. खैर, ये प्रोसेसर आपको पाकिस्तान में 5500 से लेकर 6500 रुपीस के दरमियान देखने को मिल सकता है. और इस प्रोसेसर का बड़ा भाई जो है i5 3570, उसमें K के अंदर मॉडल आता है जो कि आपको 1 से 2 हज़ार का डिफरेंस दे देगा. यानी कि जो K वाला मॉडल होगा वो ऑब्वियसली प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा होगा. सो गाइज, दैट्स इनफ टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोसेसर, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्रोसेसर, विच इज़ ऑब्वियसली गेमिंग परफॉर्मेंस. तो भाई लोग, ये जो प्रोसेसर है ना, ये आपको हाई एंड गेमिंग करवाने की कैपेबिलिटी रखता है, ओनली व्हेन यू यूज़ अ हाई एंड GPU विद इट. खैर, इस प्रोसेसर की गेमिंग बेंचमार्क्स की बात की जाए तो वो ये रहे आपकी स्क्रीन के सामने. तो अब अगर बात कर लीजिए मेरे ओपिनियन की, तो यारो देखो, भले ही ये प्रोसेसर 11 साल पुराना है, लेकिन यार ये आज की डेट में भी आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देने की कैपेबिलिटी रखता है. देखो गाइस, अगर आपका बजट 20K से लेके 30K के इन बिटवीन है, और अगर आपने कोई PC बिल्ड करवानी है, तो आप इस प्रोसेसर को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इट विल गिव यू अ वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ऑसम कॉन्टेंट. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय.